नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनिताबाद। इस वक्त हूं मैं अपने गृह जिले मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। यहां पर पिछले दिनों एक दलित युवक की पुलिस द्वारा पीटने पर हत्या हो जाती है, तो तमाम यहां के सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं और शासन प्रशासन से न्याय की मांग भी करते हैं। तो इसी घटना को संज्ञान में लेते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब ने इसको ट्वीट किया है और शिवराज सिंह चौहान को टैग करके लिखा है कि पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दे और प्रकरण को संज्ञान में ले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार की घटनाएं आखिर दलितों पर हो क्यों रही हैं? क्या वो कमियां हैं, इसमें कमी कहीं ना कहीं दलित जो लोग हैं उनकी रहती है, या सरकार हकीकत में ही अपराधी पक्ष में जुड़ी हुई है, जो अपराध करने की प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बैक सपोर्ट करती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास मेहमान है जो बसपा के वरिष्ठ नेता हैं नंदलाल खरे जी, उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा और इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। नेताजी स्वागत है, सबसे पहले आपका हमारे स्वागत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमने देखा कि आपके जो खबर थी केलारस के समीप पड़ती है और तहसील अगर देखा जाए तो जोरा तहसील में आता है, पचोकरा गांव का शायद निसंगपुरा गांव है, वहां पर दलित जो लड़का है पान सिंह जाटव, तो उनके मतलब घर वालों का कहना है कि पुलिस कस्टडी में और पुलिस की पिटाई से मौत हो जाती। तो पहले मुझे संक्षिप्त में इसको बताएं, फिर इसमें हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए ब्रजमोहन जी, दलित युवक पान सिंह जाटव सोसाइटी पर खाद्यान्न लेने के लिए जाता है, वहाँ जिस व्यक्ति ने कॉल करके हमको कॉल पर धमकी दी है, रविंद्र परमार को ही पूर्व सरपंच हैं, तो आज दैनिक भास्कर ने भी उसको छापा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, उसके बाद फरियादी जो पीड़ित पक्ष है, जो पान सिंह जाटव जिसकी हत्या की गई है, वो 100 नंबर के लिए कॉल करता है, 100 नंबर गाड़ी आती है, पीड़ित पक्ष को न ले जाते हुए वहां से खाद्यान्न सोसाइटी से जो भंडार है, खाद्य भंडार है, सोसाइटी से एक बोरी गेहूं की डाल करके गाड़ी में ले जाती है। उसके बाद जो पीड़ित जिसके साथ मारपीट की गई वहां के लोगों द्वारा, जो जिसको परिजनों ने आरोपित किया, वो थाने पहुंचता है चिन्नौनी अपनी माँ को लेकर के, वृद्ध माँ को लेकर के, अपने भाई को लेकर के, तो वहां पर उल्टा उसको बंद करके इतना बेरहमी से पीटा जाता है, उसमें उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे कंट्रोल पर मैंने मारा भूला ने, आओ, और बादशाह ने, गजेंद्र ने, और अरविंद ने, आओ, और सामंत ने, आओ, बैठे मैंने कह दी क्या थाने जाऊं, थाने गए, हाँ, फिर बाने पैसा दे गए गजेंद्र ने, और बाने अरविंद ने, मोड़ा बैठे आई पर मरवा जे पैसा हम छूट गई, मोड़ा की छूट गई, अजय के घर बैठे वो समिया, फिर मैंने कावड़ो माने पहले बात कर लेंगे मुझे, बस मेरे मारो है। और पीटने के बाद 151 में जिसको शांति भंग की धारा बोलते हैं, उसके तहत उसको बंद कर दिया जाता है कायम करके, और एक संगीन अपराधी की तरह उस दलित युवक पान सिंह जाटव के हथकड़ी डाल करके, और बदन सिंह उसका जो छोटा भाई है उसको हथकड़ी डाल करके उसको बंद कर लिया जाता है। उसके बाद 20 तारीख को एसडीएम कोर्ट से वो जमानत लेता है, जमानत लेने के बाद फिर वो 21 तारीख को घर पर रहता है, और 23 तारीख को वो वरिष्ठ अधिकारियों से एसडीओपी केलारस, एसपी मुरैना और एजे के जो स्पेशल अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो थाने हैं, जो शासन ने दलित समाज की मदद के लिए खोले हैं स्पेशली, वहां पर वो रिपोर्ट करने जाता है। जब उसकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो 181 पर जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करता है। उसके बाद 26 के बाद दो एक दिन वो घर रहा या कहीं गया, उसके बाद
उसको जब ये महसूस हुआ कि अंदर खाने में नाजुक अंगों में उसके हार्ट में लिवर में या किडनी पर कहीं पर भी गंभीर चोट आने की वजह से उस 30 तारीख को या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस पर इलाज कराने के लिए आता है, डॉक्टर इलाज करता है, जिसकी रजिस्टर्ड रसीद है उस परिवार के पास में है, आप हमसे भी अवेलेबल कर सकते हैं, और उसके बाद उसको इंजेक्शन आया था और मौके पर हॉस्पिटल वो खत्म हो जाता है। टोल पर राशन लेने गए सर, ले कर लेंगे तो चल रहे राशन कार्ड बुक करो ठाकुर मैं ले माता सोचा मारे के ठीक में ले लाट में गले वाले पकड़ लो दोनों भाई ने भूरा ने और कल्लू जाधव ने भूरा और कल्लू जाधव बादशाह और रविंद्र सरपंच ने देखे फिर मारपीट करके चिन्नौनी थाने गए। चिन्नौनी थाना बस डायरेक्ट में चिन्नौनी थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई डायरेक्ट पकड़े बस गलपटी ने जिन्हें में ना रहे हो मुक्का घूस संजय जाए अच्छा पुलिस वाले ने तुम और उल्टे मारे हो उल्टे मारे काम ही कर दिया था कहीं उल्टा पर उल्टा तुम पे के केस तोप दिया अच्छा फिर यहां गए थे जोर पेन लात पर सगर दे दिए अच्छा अच्छा मुझे तेरे मारे हैं तो पुलिस वाले अच्छा ये आपके भाई की डेथ कैसे हुई तुम्हारा भाई खत्म कैसे हो गया था चोट आई है गोली दवाई से चल रहा है रोटी नहीं खा रहा खाना भी नहीं खा रहा पुलिस वाले ने अच्छा गले में अच्छा पेशाब वगैरह भी निकल गई थी अच्छा तो फिर दम तोड़ दिया फिर गोली दवाई से चल रहा है खाने से ही अच्छा खा नहीं रहा है अच्छा खत्म हो गया। कितने दिन बाद खत्म हो गया जब बेटा मना ये देखिए फिर उसकी डेड बॉडी को प्री प्लान के तहत क्योंकि तथाकथित जो रविंद्र परमार है जिसने हमको धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे हमारा असर इधर पूरी पंचायत के अंदर बहुत से लोगों पर है तो वो व्यक्ति आपको धमकी दी है फोन लगा कर आप देखिए उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग आपको अवेलेबल कराते हैं आप इसको चलाएं चैनल के माध्यम से उसमें धमकी दी जाती है तो आप ये देखिए कि उसकी वही व्यक्ति जो रविंद्र परमार है वही व्यक्ति जो एक सत्ता पक्ष के जो क्षेत्रीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उनका बिल्कुल नजदीक व्यक्ति है जिसकी फेसबुक आईडी पर भी उनके साथ विधायक जी के साथ उसका फोटो है उस सत्ता की हलक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सत्ता की हलक में और यहाँ पर संपूर्ण प्रशासन चिन्नौनी थाने का थाना प्रभारी ठाकुर जाति से अविनाश राठौर और कैलारस का थाना प्रभारी वीरेंद्र कुशवा वो ठाकुर जाति से कम 60% स्टाफ दोनों थानों में ठाकुर जाति से होने के कारण उस हनक में उसकी डेड बॉडी से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एसआर मिश्रा जब कॉल किया मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दूंगा थाना प्रभारी कैलारस का जब मेरे लिए कॉल आया कि इस मामले को निपट लें तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये बोल रहे हैं देवेंद्र कुशवा थाना आरटीआई कैलारस वीरेंद्र कुशवा जी बोल रहे हैं इस बात को कह रहे भाई हमने क्या हमने उसमें कहा है इस बात को कि चलो पीड़ित व्यक्ति है उन्होंने परिजनों ने चक्का जाम किया चक्का जाम के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोई राजमार्ग को बाधित नहीं कर सकता है उन्होंने अपनी न्याय की मांग के लिए उन्होंने राजमार्ग को बाधित किया चक्का जाम किया वहां पर बैठ गए उसके बाद उन पर संगीन मामले दर्ज किए गए शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना और लोहे की एंगल को तोड़ना और 63 लोगों के नाम दर्ज वही मैं पूरी घटना मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूं और 552 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको पत्थर के द्वारा खोदना क्षतिग्रस्त होना बताया जिसकी धारा 33/58 कायम की गई 325 शासकीय कार्य बाधा की गई तमाम ऐसी 10-12 धाराओं के तहत जो कृत्य हुआ नहीं पुलिस पर लाठी बरसाना पथराव करना जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है अगर ऐसा हुआ है तो क्या थाना प्रभारी इसके एविडेंस दे। दूसरी विडंबना देखिए कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की उसकी एक रात पूर्व सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक रात पूर्व उसी गांव के पीड़ित परिवार के गांव का व्यक्ति हमारे पास आता है तो सामाजिक लोग आते हैं कि साहब अभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के बंगले पर सारे अविनाश राठौर की बिरादरी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर प्री प्लान के तहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ये रिपोर्ट देता है शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाएगी बल्कि विडंबना ये देखिए ऐसा ये पहला मामला है जब किसी की मृतक की बॉडी का पीएम होता है संदिग्ध मामले में या हत्या के कगार पर पहुंचता है या एनी हाउ सर्प काटने से भी होता है तो उसकी बॉडी को लावारिस व्यक्ति की बॉडी को अंडर बंद कमरे में रखा जाता है परिजन होने के बावजूद उसकी बॉडी को 9 बजे यहाँ पर इलाज कराया इलाज कराने बाद उसकी मौत हुई जैसी मौत होने के बाद उसको ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एसआर मिश्रा जी ने सटर तलवा के ताला लगा करके खुद चाबी लेके चले गए तो उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने
उसको और आम जनता ने उसको शटर का ताला तोड़ा, बाध्य हो गए कि आखिर ऐसा माजरा क्या है। संदेह की स्थिति में आने के बाद जब परिजन मौके पर मौजूद हैं और डेड बॉडी को बंद क्यों किया गया, तब उन परिजनों ने उस डेड बॉडी को शटर का ताला तोड़ करके बाहर निकाला और रास्ते पर चक्का जाम किया। तो मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ कैलाश थाना है उसने नाम दर्ज आरोपियों मतलब जो लोग थे प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ ये FIR की है। क्या इसमें डेथ हाउस है जो डेथ बॉडी हाउस उसमें कोई शिवराज सिंह चौहान का खजाना छुपाता गया तो मतलब इस प्रकार का? अब इसका जवाब तो शिवराज सिंह चौहान जी के जो नेता हैं यहाँ के क्षेत्रीय, इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि शायद उसमें कोई खजाना हो। तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में न्याय मांगने पर जो डेथ बॉडी क्या पोस्टमार्टम हाउस होता है उसमें से पहले तो लावारिस की तरह डेथ बॉडी को रख लिया जाता है, उनके परिजनों को नहीं सौंपा जाता है। जब परिजन बाध्य हो जाते हैं कि आखिर इसमें माजरा क्या है, तो उल्टा कम से कम सैकड़ों लोगों के नाम से जिसमें कुछ नाम सहित FIR हो जाती है, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR पुलिस प्रशासन द्वारा कर दिया जाता है। तो एक तरह का ये तो पूरा शिवराज सरकार सरेआम मतलब अपराधियों को खिलाफ छूटते रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। राजस्थान के अंदर जाधव की घटना पूरे देश ने देखा है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल अपराधियों को संरक्षण देते हैं, क्योंकि अब उस प्रवृत्ति के लोग जनप्रतिनिधि बनके जा रहे हैं। आप ये देखिए जब BSP ने प्रोटेस्ट किया तो BSP ने मांग की जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, पान सिंह जाटव के हत्यारों को सजा मिलना चाहिए, इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। न्यायिक जांच होने के बाद FIR दर्ज होना चाहिए, उसके बाद देखिए आप कि उसके बाद जब BSP ने अनाउंस कर दिया कि माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ सांसद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब ने 2 तारीख को ट्वीट करके सारे एविडेंस लेकर के बच्चे की हवालात का फोटो भी उन्होंने लगाया है, 181 पर जो शिकायत की है पोर्टल पर वो भी उन्होंने लगाया है, और शिवराज सिंह चौहान को टैग करके उसकी पुलिस द्वारा पिटाई से हुई मौत की दोषियों कार्रवाई के लिए उन्होंने मांग की। उसके बाद हमारे निवेदन पर BSP के निवेदन पर 10 तारीख बहुजन समाज पार्टी ने रख दी है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व और पूर्व विधायक श्री सोनेराम कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव BSP के नेतृत्व में 10 तारीख का आंदोलन का अनाउंस कर दिया है। आंदोलन का अनाउंस होने के बाद तब उसके बाद रविंद्र परमार मेरे को कॉल कर करके ये इस बात की धमकी देता है। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अच्छा नंदलाल खरे नेताजी बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा मैं रविंद्र सिंह परमार पूर्व सरपंच पचोखरा बोल रहा हूँ। सरपंच साहब बोले। अच्छा मैं ये कह रहा था आपसे ये अपनी नरसिंहपुरा वाली घटना हुई है ये, मतलब इसके बारे में आपको मतलब बिल्कुल तथ्य तक कितनी जानकारी है? तथ्य तक हमें ये जानकारी है कि नरसिंहपुरा में क्या विवाद हुआ है ये अलग बात है, लेकिन विवाद होने के बाद कोई भी थाना प्रभारी हाँ। की जब कार्रवाई करता है तो दोनों पक्षों को बंद करता है हाँ। बल्कि जो आदमी ना तो पुलिस ने अरेस्ट किया उनको, वो तो रिपोर्ट दर्ज कराने खुद ही तो गए हाँ। उनको भी बिठाया, उनको भी बंद किया, बेड़ियां डली हुई है 151 का, ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं होता है सरपंच साहब। जब उनको हाँ। बंद किया, बंद कर पिटाई की, उसकी माँ बाहर चिल्लाती रही, वो पिटाई की गई कि उस पिटाई के कारण ही उसकी मौत हो गई। अच्छा अब हम आपको ये सब नजारा आप झूठ है। अब सुनो, पहली बात तो घटना ये है कि वो सोसाइटी वालों में जब बोरी वोरी का उनका हुआ था सोसाइटी वालों से ठीक है, तो इस कारण जो बटने में दिक्कत कर रहे थे तो इस कारण से वो थाने में गए थे, तो उसके कारण उनको मतलब 151 करके उसको भेज दिया था ठीक है। अब इसमें वो मेरा नाम ले रहे हैं कि मतलब कि रविंद्र सरपंच ने मारा है इसको। अच्छा, और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन में ग्वालियर था जी, और जिस दिन ये खत्म हुआ उस दिन में ग्वालियर था जी जी ठीक है। तो ये झूठा नाम मतलब सड़न लगा चुनावी रंजिश के कारण ये कर रहे हैं। सुनो नंबर एक बात, लड़का ये 4 दिन ये रिश्तेदारी में रहा है, वहाँ क्या खाया है क्या पिया है सुनो, और लड़की की मतलब हार्ट अटैक से मौत हुई है जो कि डॉक्टरों ने वीडियोग्राफी करके की है ठीक है।
तो मतलब इसमें देखो आप अच्छे नेता हो है, और मतलब झूठ को लेके गलत चीज को तूल दोगे तो कल आपसे भी मतलब आम जनता को विश्वास कम हो जाएगा। अब हमारी हालांकि देखो जो आप करोगे करोगे, बात अपन को कोई मतलब हान लाभ नहीं है, वो तो जांच हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा, पर लेकिन आपकी छवि इससे अच्छी नहीं हो रही, आपकी छवि भी मतलब धूमिल हो रही है। इस विषय को बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन जी के आदेश पर रामजी गौतम जी ने गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लेने तो आने वाली 10 तारीख को बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होगा, बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होगा, और उससे पहले 8 तारीख से पहले 8 तारीख को माननीय रामजी गौतम साहब पीड़ित परिवार से मान सिंह जाटव के गृह गांव जाकर नरसिंहपुरा पहुंच करके पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए जाएंगे और हर संभव मदद के लिए संघर्ष करने का वादा करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इसको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी से माननीय राजा रामजी गौतम साहब इसको राज्यसभा सदन के अंदर भी इस दलित की हत्याकांड को उठाएंगे। तो एक लास्ट सवाल और लेना चाहूंगा आपसे, पुलिस आरोप लगा रही है कि नहीं वो तो उसका जो मौत हुई है वो मतलब रास्ते में हुई है, न तो हॉस्पिटल में हुई है न घर पे हुई है, ये जिक्र हम करना चाहेंगे। जब मर कायम के बर्ग इंटीमेशन के लिए जब वो उसका भाई बदन सिंह बयान दे रहा था तो उस समय बोला कि नहीं तो घर हुई है, ये शब्द टीआई वेदेंद्र कैलारस वेदेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, देवेंद्र कुशवाहा, वेदेंद्र कुशवाहा उनका नाम है, वो बोल रहे हैं। हाँ सर, कहाँ पर हो? मैं सर थोड़ा वहां जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ, ऋषि जी के। मेरा ये कहना है इन्होंने अपराध संजीवित किया जी, है ना, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है आप सब चीजें जी, मैंने मुझे नहीं बनाया, इसलिए बनाया आदमी से जी। क्या घूम रहे हो? हेलो, ये सब देखिए ये जिन लोगों पर अपराध संजीवित किया गया, चक्का जाम का बनता है कि चक्का जाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार होना चाहिए, लेकिन जो आपने अपराध संजीवित किए जिन लोगों पर, उन पर पुलिस के साथ मारपीट बताओ किस व्यक्ति ने की? नहीं तो आप पर किया, अपराध कब किया? नहीं तो आप पर किया, हम पर नहीं किया, वो अलग अलग विषय, आपकी सद्भावना है हमारे साथ नहीं किया, लेकिन समाज की बीच में समाज की आवाज उठाना पड़ती है। आदरणीय तो आवाज ऐसी उठाओगे, 6-6 घंटे मतलब आदमी 10-10 एम्बुलेंस में फंसी हुई है, अस्पताल का शटर तोड़ दिया, ये सही किया? आप एक बात बताइए, नहीं एक बात बताए आप हमें, वो सही किया। दूसरी चीज सुनाओ, ये जो उन्होंने अस्पताल का सड़क तोड़ना गुंडागर्दी सरेआम हो रही है, कैसे काम चलेगा? देखिए राजकता को बढ़ावा दिया जाए, अरे एक ये देखिए ना, मृतक की देह को उसमें कस्टडी में लेकर उसको लॉक कर दिया गया, भाई ये क्या तुक बंद किया? अरे ये तो अस्पताल पहुंचने का था, वो कस्टडी को पीएम बहुत बड़ी उसके अंदर रहती है, नहीं ऐसा ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी की डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी होती है उसको बंद किया जाता है, जैसे आपने वो केस फेस किया था ना, ये वाला पहाड़ी के नीचे वो मरा था, वो लावा रिश्ता कुल मिला के ये है कि शाम को मिलना मुझसे, चलो मैं बात करता हूँ। इसलिए अविनाश सजातीय दूसरे चंदौली थाना प्रभारी के बचाव में, तब वो बच्चा बदन सिंह अपनी जेब से पॉकेट से उस रजिस्टर्ड रसीद को निकालता है जो पंजीयन कराया उसने कि मैंने आज ये रसीद कटाई है और आज मैं इसमें ये ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है। मतलब एक तो सत्ता का नशा, ऊपर से जाति का और टैग लग गया उसमें कि अपराधी भी मतलब एक जाति विशेष का, और जो थाना लगता है उसका थाना प्रभारी उसी जाति का, और जिस अरे आप देखिए के केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरैना जिले से हैं, राजपूत समाज से हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो राजपूत समाज से हैं, और इवन ये देखिए आप कितने विडम्बना की बात है कि पुलिस थाना स्टेशन का एक हाथ चौकी को छोड़ करके आप मुरैना जिले के समस्त थानों को उठा लीजिए, सारे के सारे थाना प्रभारी जाति विशेष के हैं, ये क्या नजर आता है? और पान सिंह हत्याकांड कि इस विषय पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पान सिंह हत्याकांड के विषय पर यहाँ का अस्पताल प्रबंधन, ब्लॉक मेडिकल एसआर मिश्रा और ये यहाँ का थाना प्रभारी कैलाश और चंदौली थाना प्रभारी, ये सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के सारे पर ये सब सारा का सारा सर्वे किया गया और उसमें सारे लोग सम्मिलित हैं। हम ये चाहते हैं, बीएसपी ये चाहती है, बीएसपी ये नहीं चाहती कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे, बीएसपी ये चाहती है घटना की न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच होने के बाद और जो हत्यारे हैं उन पर 300 की FIR होना चाहिए और डिपार्टमेंटली इंक्वायरी नहीं, न्यायिक जांच होना चाहिए और थाना प्रभारियों को की सजा मिलना चाहिए, और दर्ज मामले जो झूठे मामले दर्ज किए गए जिनका कोई एविडेंस नहीं है इनके पास में, वो जो पुलिस स्टेशन में जो दलाल टाइप के लोग बैठ रहते हैं उनको इन्होंने पहचान के लिए बनाया, उनको फरियादी बना करके अपराध पंजीबद्ध किए, तो वो मामले भी अविलंब वापस होना चाहिए। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नंदलाल खरे जी, वरिष्ठ बसपा नेता। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, हालांकि इस प्रकार के
जो कायमी करना खास करके दलित वर्ग पर, ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी आपने देखा होगा 2 अप्रैल को पूरे देश भर में झूठे मुकदमे दलित समाज पर, SC ST समाज पर किए गए। तो ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कैलारस और जोरा के आसपास का, जोरा तहसील पड़ती है और कैलारस के नजदीक है। तो यहाँ पर मतलब जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की मांग न कर सके तो पीड़ित लोगों को डराने धमकाने के लिए पुलिस द्वारा झूठी FIR कम से कम 100 लोगों के खिलाफ कर दी गई है। तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और जो झूठी FIR कराई गई है उनको वापस लेने के लिए बसपा बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है आगामी 10 तारीख को, यानी कि 10 सितंबर को बहुत ही बड़ा प्रोग्राम या कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट कैलारस थाने को घेराव है। SDOP कार्यालय पर, SDOP कार्यालय पर घेराव किया जाएगा, हजारों की तादाद में दलित बहुजन समाज ही नहीं मानवतावादी सर्व समाज के लोग होंगे। आप ये देखिए उसके साथ साथ इसमें ब्राह्मण निर्दोष ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों को अपराधी बनाया गया, गुर्जर समाज के लोगों को बनाया गया, धाकड़ समाज के लोगों को बनाया, रावत समाज के लोगों को बनाया। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और तथाकथित जो लोग जो जो पुलिस थाने में जो एजेंट टाइप के लोग हैं उनके कहने पर निर्दोष लोगों पर FIR की गई है। हम तो आपसे कहना चाहेंगे, हम आपको प्रमाण भी देंगे कि एक कर्मचारी को जो 30 तारीख को पंचायत सेक्रेटरी महेश जाटव जाप था पंचायत में ग्राम सभा की बैठक ले रहा है वो उसके ऊपर FIR कर दी है। जी तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इस मामले में मोड़ आता है। हम कोशिश करेंगे कि जनता आवाज ग्राउंड जीरो तक जाए। कल हम पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे तो आगामी रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप इस पूरे मैटर पे क्या राय रखते हैं अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।